सर, एआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेवाड़ संभाग को लेकर आपकी क्या रणनीति है? जय मेवाड़, जय राजस्थान। मेवाड़ संभाग की राजस्थान के चुनाव के अंदर बहुत मुख्य भूमिका में रही है, और उदयपुर संभाग जो है इसके अंदर लगभग 25 सीटें, जिसमें 17 सीटें रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है। आदिवासी बहुल होने से यहाँ पे एक बदलाव की जरूरत है। अभी 19 तारीख को हमारा दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ। हमारे मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले साथ में थे। इसके बाद में हमने जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात करी। हमने राजस्थान के अंदर अभी बीजेपी के साथ में हमारी एक समन्वय की कोशिश जारी है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से कुछ सीटों के ऊपर हमको कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ में सपोर्ट मिले। तो ऐसी कंडीशन के उधर उदयपुर संभाग के अंदर भी हमारा कोशिश रहेगी कम से कम 5 सीटों के ऊपर हम लोग किसी हमारे कैंडिडेट उतारे जो कि जीता और जीतने की कंडीशन के अंदर कुछ बदलाव ला सके। उदयपुर संभाग में कार्य करने के लिए हमने बहुत ही अनुभवी टीम को तैयार किया है। अभी ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल और जिला लेवल के ऊपर और विधानसभा स्तर के ऊपर हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लगभग पूरी हो चुकी है, जो अपने स्तर के ऊपर बूथ लेवल के ऊपर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर मेवाड़ संभाग के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का नेतृत्व उदयपुर से मेवाड़ संभाग से नफीस शेख करेंगे। नफीस शेख हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, रिपब्लिकन के अंदर एक मेंटर है। और इनका एक सबसे अच्छी चीज ये कि बहुत ही लो लेवल के लोगों के साथ में जमीनी जुड़ाव जो है वो मेरे को लगता है कि मेवाड़ संभाग के अंदर काम आएगा। मेरा अगला एक सप्ताह पूरा मेवाड़ संभाग के ऊपर दौरे के ऊपर है। इस दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट करके और जनाधार बढ़ाऊं।